वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का हिस्ट्री का जबरदस्त। देखिए ये लेसन पढ़ने में बहुत बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि इसमें नाम बड़ी खतरनाक और डेंजर है। नाम इतना का लग रहा है किसी होम्योपैथ दवा का नाम रख दिया गया, इतना खतरनाक नाम इसमें व्यक्ति इंसान का नाम है जिसकी वजह से बच्चा इस लेसन में उब जाता है। लेकिन इस बार आपके डायरेक्ट दिमाग में सेट होगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर को स्ट्रांग बनाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां आपको पूरा का पूरा एक फिगर दिख रहा होगा और इधर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है ये दिख रहा होगा। बहुत आसान भाषा में बहुत ही जबरदस्त तरीका से आपको समझाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यहां देखिए हम लोगों को पढ़ना है हिंद चीन। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं, फ्रांस में क्रांति माने लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ था, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए हैं रूस में लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ था। अच्छा आप बताइए लड़ाई झगड़ा का वजह क्या है? बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग गरीबों को दबाएंगे। जब वहाँ गरीबों को दबाया जाएगा तो गरीब में एकता बनता है, सभी गरीब एक दूसरे से राय करेंगे, राय करने के बाद से एक हो जाएंगे और एक होने के बाद से क्रांति कर देते हैं यानी आंदोलन कर देते हैं। लड़ाई का यही ना वजह है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, हिंद चीन, इस पूरे इलाका को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। अब देखो ना यहाँ हिंद है यहाँ चीन है, ऐसा लग रहा है ना कि लग रहा है हिंद से हिंदुस्तान और चीन से चाइना हो जाएगा, तो सही बात है। इस पूरे को कहते हैं पहले हिंद चीन कहा जाता था। इस कुछ इलाका पर हिंदुस्तान का कब्जा और कुछ इलाका पर चाइना का प्रभाव, यानी कि हिंदुस्तान का प्रभाव कुछ इलाका पर और चाइना का प्रभाव कुछ इलाका पर था, जिस इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हिंद चीन। अब समझिए किस पर, पहले समझ जाइए ये कितना दूर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का फैलाव 2.8 यानी कि लगभग दो, यहाँ पे 280,000 किलोमीटर, लगभग में 300,000 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा इलाका फैला हुआ है। ये ज़्यादा दूर नहीं है, हिंदुस्तान के ठीक मतलब पूरब साइड में आएगा, ठीक है। पूरब साइड कैसे पहचानोगे, तो जब भी आप कॉपी पे लिख रहे होते हैं तो दाहिने तरफ हाथ कीजिएगा तो मैप में दाहिने तरफ पूरब होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि इस साइड है, तो यहाँ पर अगर इंडिया का मैप है तो इसके दाएँ साइड में, ठीक है, हिंद चीन आता है जिस पर हिंदुस्तान और चाइना का प्रभाव था उस इलाका पर भी। लेकिन एक बात, जब तक राजा महाराजा थे तभी तक इस पर प्रभाव रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर पूरे विश्व में कहीं बात करें कब्जा करने का तो एक ही गो अधिकतर उसमें एक ही देश आता है, यूरोप माने महादेश, उधर के ही लोग आए थे। इंडिया पर कब्जा किसने किया? यूरोप के लोग। अमेरिका पर कब्जा किसने किया? यूरोप के लोग। ये क्या करने आता था ये गधा सब की आके अपने बाऊजी का जागीर समझ लेता था? ये आता था वहां से यहाँ व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करते करते थोड़ा सा जमीन खरीद के दुकान वगैरह खोल लेगा और खोलते खोलते अपना दुकान बढ़ाने लगेगा और पूरा का पूरा इलाका पर कब्जा कर लेता था। यानी यूरोप के जो लोग थे, मतलब उन लोगों को क्या कहा जाए, व्यापार करने के बदौलत क्या व्यापार करते करते और यहाँ साम्राज्यवाद खड़ा कर देते थे, अपना साम्राज्य खड़ा कर देते थे। वही यहाँ हिंद चीन के साथ भी हुआ। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ देखिए उत्तर इंडिया के, ये भारत के उत्तरी हिस्सा में, ये दोनों यानी उत्तर ऊपर से इस साइड वाले हिस्से में म्यांमार और चीन उत्तर में पाया जाएगा, दक्षिण में चीन सागर हो गया और पश्चिम में म्यांमार होगा। ये आपका पूरा का पूरा डेटा ये फर्स्ट पार्ट का है। तत्कालीन नाम, पुराना नाम था हिंद चीन लेकिन आज ये टूट चुका है, इसका तत्कालीन नाम क्या है? तो देखिए ये पूरा को कहते हैं हिंद चीन, इस वाले हिस्सा को पूरा को वियतनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियतनाम। अब देखिए इस हिस्सा को वियतनाम, इस हिस्सा को लाओस और इस हिस्सा को कंबोडिया कहा जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। पहले सब मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंद चीन। अब हिंदुस्तान का कब्जा इन तीनों में से किस पर था, चीन का कब्जा किस पर था? तो देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है पूरा, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो वियतनाम है, इस वियतनाम पर कब्जा था, चाइना का प्रभाव था, किसका? चीन का प्रभाव था। अब बच गया दो ठो और ये, ठीक है, तो ये दोनों पर किसका प्रभाव था? हिंदुस्तान का यानी इंडिया का प्रभाव था। यहाँ देखिएगा वियतनाम जो है, वियतनाम ये तीन हिस्सा में टूटा हुआ है आज का नाम है, इसका चीन का प्रभाव वियतनाम पर था, ये पूरा वियतनाम ऊपर से लेकर नीचे तक चाइना कब्जा किया हुआ था और ये दोनों पर इंडिया का प्रभाव था, ठीक है। अब समझिएगा
ये भी टूट गया, ये भी दो हिस्सा टूट गया, ये भी दो हिस्सा में, तो ऊपर है तो ऊपर है तो उत्तर और नीचे होगा तो दक्षिण, ऊपर उत्तर बोला जाता है मैप में, ठीक है। तो उत्तरी वियतनाम ये भी दो हिस्सा में बाद में टूट गया, इसकी कहानी हम बाद में बताएंगे, पहले इतना जाने कि तीन हिस्सा है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम पर किसका कब्जा? चाइना का कब्जा। लाओस और कंबोडिया इन दोनों पर किसका कब्जा, यानी प्रभाव हो जाएगा भारत का, प्रभाव हो जाएगा, कब्जा नहीं बोलेंगे, इंडिया का है ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्रभाव होता है, ठीक है। अब देखिए, अब भारत पर लाओस और कंबोडिया हो गया, अब यहां पे भारत पर इन दोनों पर किसका प्रभाव था, भारत पर। यहां पे एक भारत का राजा रहता था कंबोडिया में, ठीक है, वहां पे अपने राज्य की स्थापना की, उस राज्य का नाम था कंबुज। आपके एग्जाम में पूछेगा इनमें से किसमें कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, तो तीनों का नाम दे देगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो कंबोडिया में कंबुज राज्य की स्थापना हुई, ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंबुज की स्थापना और इसका पतन भी हो गया, यानी टूट भी गया है राज्य, चौथी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, चारवीं शताब्दी याद रखना, चारवीं शताब्दी में, चौथी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई कंबोज राज्य की, और वहाँ पे शासन कौन था, भारत के लोग थे, भारतवंशी थे, ठीक है, और संस्कृति भी भारतीय थी, वहाँ पे भी हर प्रकार का पर्व और त्यौहार मनाया जाता था भारत का, कहाँ पे, कंबोडिया में, कंबोडिया में एक कंबोज राज्य, यहाँ समझिएगा। बारहवीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन ने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था अंकोर वाट, याद रखने, ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। 12वीं सदी में आपसे पूछा जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में मंदिर है भगवान विष्णु का, किसका मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है कंबोडिया में, जिसको कहा जाता है अंकोर वाट का मंदिर कहा जाता है, वो कंबोडिया में है। किसको, किसने बनवाया था, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसको बनवाया था, और लास्ट में 12वीं सदी में बनवाया था, 16वीं शताब्दी जाते जाते इस कंबुज का पतन हो गया, यानी कि चौथी शताब्दी में कंबुज की स्थापना हुई और 16वीं शताब्दी में ये क्या हो गया, इसका पतन हो गया। अब देखिए ये पतन होने के बाद क्या हुआ, क्यों पतन हो गया, वजह क्या है, आप बताइए। शुरू में राजा महाराजाओं का जमाना था, आखिरकार राजा महाराजा का पतन कैसे हो गया, जब विदेशी लोग आए, अब विदेशी लोग आ करके राजा को लालच दिए, क्या किए, लालच दिए कि हम यहाँ प्लीज थोड़ा सा जगह दे दीजिए, हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक दुकान रखना है। धीरे धीरे अपना दुकान करते करते थोड़ा सा एरिया बढ़ाने लगे और राजा को पैसा से हेल्प करने लगे। राजा खुश हो गया कि भाई दूसरे देश के लोग आ करके हमारा हेल्प करें, अपने टोला मोहल्ला का कोई हेल्प ना करता है, ठीक है। माने हेल्प का मतलब क्या, वो तो खुद राजा है ना, लेकिन पैसों से हेल्प करेगा तब ना ये प्रजा की सेवा करेंगे। इस हिसाब से इसको पैसा, अय्याशी का सामान सब विदेश से लाता था, शराबराब सब राजा को देता था। अब राजा इन लोगों को छूट दे दिए थे, इस हिसाब से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया और उसके बाद से चले यूरोप से व्यापारी, वहाँ तो बेचने उचने के लिए जगह नहीं था, तो जगह खोजते खोजते तो सबसे पहले यूरोप से जो व्यक्ति आया था उसका नाम था वास्को डिगामा, 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था वास्को डिगामा, 1498। उसी समय से सब यूरोप के लोग सोचे, अरे वास्को डिगामा चला गया, करोड़पति अरबपति बन गया, चलते हैं हम लोग सब इधर से चलते हैं इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ व्यापार करने। तो सब लोग वहाँ से आने लगे, बहुत सारा देश आया यहाँ पे व्यापार करने के लिए, लेकिन एक देश जिसका नाम था फ्रांस, क्या नाम था, फ्रांस, वो यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन उनके मन में सोच क्या था कि इस पूरे इलाका पर हम कब्जा करेंगे एक दिन, ठीक है, पहले यहाँ थोड़ा सा जगह मांगेंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे फैलाते फैलाते पूरा वियतनाम पर पूरा फैल जाएंगे, उसके बाद से लाओस पर कब्जा करेंगे, कुछ दिन के बाद पूर्ण रूप से इस पर कब्जा कर लेंगे। तो सभी कंपनी तो आई, लेकिन एक मुख्य जो था फ्रांस, ठीक है, वो आया था यहाँ पर साम्राज्यवाद खड़ा करने, यानी पूरा का पूरा सब जगह कब्जा करने, ठीक है। लेकिन इस जब कब्जा कर लेगा तो जाहिर सी बात है गरीबों को सताएगा कब्जा करके, क्योंकि यूरोपीय है, तो उसको क्या चाहिए कि खूब खटने वाले लोग मिले ताकि मेरी कंपनी मुनाफा में जाए। तो जब यहाँ पे आ करके अत्याचार करेगा तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं, तो उस गुस्सा में सब लोग एक होंगे, तो उसमें से एक मेन लीडर चुना जाएगा, तो वही मेन लीडर था, इसमें हीरो था कौन, हो ची मिन, आ गया ना उटपटांग नाम, हो ची मिन, ये कहाँ का था, तो वियतनाम का था, याद रखिएगा ये वियतनाम वाले इलाका का था, लेकिन ये वियतनाम नहीं पूरे इलाका को एक करना चाहता था, लेकिन क्या करोगे, इसका वियतनाम ये दो हिस्सा में टूट गया, फ्रांस का लोग का किए इसको दो हिस्सा में तोड़ दिए, ठीक है। और जब ये दो हिस्सा में टूट गया तो इधर के
इलाका पर प्रभाव था होचीमिन का। होचीमिन इधर था, कह रहा था कि हम अपने पहले वियतनाम को एक करेंगे, बाद में सबको एक करेंगे। ठीक है, तो पहले वियतनाम को एक करेगा, तो इधर दोनों के तरफ अब देखो क्या होता है, लोग राजी थे, लेकिन इधर था कौन, होचीमिन, और इधर था बाओदाई। कौन था, बाओदाई की सरकार थी। ये हम आपको अगले लेयर में पढ़ाएंगे, लेकिन बस समझा दे रहे हैं, इधर होचीमिन की सरकार, इधर बाओदाई की सरकार। बाओदाई कहाँ का था, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ का होगा, फ्रांस का होगा। तो इधर फ्रांस का राजा कौन था, शासक बाओदाई, और ऊपर था होचीमिन। ये दोनों यहाँ के लोग चाहते थे कि वियतनाम एक हो जाए, रेड वाला से जो दिखाएं वो वियतनाम है, ये दोनों एक हो जाए। लेकिन ये लोग कह रहा था, फ्रांस, फ्रांस यूरोप में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रांस कहता ठीक है हम लोग राजी हो गए, चलो वियतनाम को एक करते हैं, लेकिन वियतनाम एक एक ही वो शर्त पे होगा, यहाँ पे पूंजीवाद होना चाहिए, यानी पूंजीपतियों की सरकार होनी चाहिए, तब जाके एक होगा। होचीमिन बोला अच्छा, माने ये हमारा इलाका है, तुम्हारा तुम्हारा बात हम माने, माने ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे पूंजीपति की सरकार नहीं रहेगी, यहाँ पे कम्युनिज्म रहेगा, कम्युनिस्ट की सरकार रहेगी। ठीक है, ये कम्युनिस्ट के लिए लड़ रहा था, कम्युनिस्ट समझते हैं, देखना गांव में या छोटा छोटा बाजार पर हंसुआ और हथौड़ा, एक लाल झंडे पर एक लाल झंडा ऐसा रहेगा जिस पर क्या रहेगा, हंसुआ और हथौड़ा का सिंबल रहता है, उसी को कम्युनिस्ट का सिंबल वही है। तो इधर चाहता था कि कम्युनिज्म रहे, यूरोप में भी है, ठीक है, चाइना में, सॉरी आपको क्या बोलते हैं, चाइना में भी है, रूस में भी है, तो ये चाहता था कि यहाँ भी किसकी सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है, आई चाहता नहीं यहाँ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवाद रहे, और तब जाके एकीकरण हो जाए। तो ये भी एक नहीं हो रहा था, इसका समर्थन जानते हो कौन कर रहा था, जो पूरे विश्व को लड़ा करके अपने बच जाता है वो सरकार कर रही थी, अमेरिका। अमेरिका बहुत ही चालाक सरकार है, ये दिमाग, अमेरिकी सरकार जो है बहुत ही चालाक है, वो क्या करता है कि सबके साथ कहता है, वादा कर लेता है कि कभी भी लड़ाई होगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, सबसे वादा कर लेगा, लेकिन सब किसी के साथ वादा खिलाफी करता है। ठीक है, आप न्यूज़ में भी बहुत सारा पढ़े होंगे, और सबके साथ क्रांति हो रहा है, लड़ाई करा देता है, और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। क्या बोलता है, पीछे करना, तो सही बात है, वो पीछे रहता है, दो आदमी लड़ के मर जाएंगे, लेकिन इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि दो आदमी जब तक लड़ेंगे नहीं, ये इधर भी चढ़ाएगा, इधर भी चढ़ाएगा, और दो आदमी लड़ेंगे तो हथियार की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा, अमेरिका अपना हथियार बेचेगा तो उसको फायदा होगा, आई दो को लड़ा के अपने साइड हो जाता है। यही यहाँ पे क्या किया, चाहता ही नहीं था, अमेरिका बहुत ही चलाक सरकार ही है यहाँ की, अमेरिका चाहता ही नहीं था कि वियतनाम एक हो जाए और वियतनाम का झगड़ा खत्म हो जाए। अगर वियतनाम का झगड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर हथियार किसको बेचेगा, तो हमेशा अमेरिका इसको बाओदाई को समझा कर रखता था, एकदम एक नहीं होने देना है, एकदम पूंजीपति की सरकार, आई तो कभी चाहेगा ही नहीं कि यहाँ पे सब लोग पैसा रुपया वाले ज़्यादा भरे। ठीक है, ये होचीमिन नहीं चाहता था, बाबू इसमें सबसे ज़्यादा हीरो का काम निभाएगा तो होचीमिन निभाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे होचीमिन की सरकार के बारे में, वियतनाम के एकीकरण के बारे में, कैसे लाओस पर कब्जा किया है फ्रांस, कैसे कंबोडिया पर, कैसे पूरे हिंद चीन पर फ्रांस कब्जा किया है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।